हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं होली स्पेशल मालपुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। होली पे आप लोग पुआ तो बनाते ही हैं, पर इस तरह का पुआ आप बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये होली स्पेशल मालपुए की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो हम सबसे पहले गैस पे 1 लीटर दूध ले लिए हैं। ये फुल क्रीम दूध है, इसे हमें चलाते हुए गाढ़ा करना है, यानी कि 1 लीटर दूध हमारा 1 पाव तक बचेगा उतना हम गाढ़ा करेंगे। तो इसे लमसम चलाते हुए हम गाढ़ा होने में हमारा 15 से 17 मिनट लग सकता है। तो हम चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे जब तक कि 1 पाव तक ना हो जाए। तो हम चलाते हुए इसे गाढ़ा कर रहे हैं। दूध आप देख सकते हैं, चलाते हुए हमने 15 मिनट तक इसे उबाला तो दूध अपनी गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि 2.5 शतक अपना दूध आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो या तो आप चलाते हुए ठंडा कीजिए या ऐसे भी ये 2-3 मिनट में ठंडा हो जाएगा, यानी कि हमें रूम टेम्परेचर तक दूध को ठंडा करना है। तो आप देख सकते हैं, दूध गाढ़ा होने के बाद हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, यानी कि हमारी अंगुली जो है वो सह रही है। अब हम इस दूध को एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ऐसे हम इस दूध को एक बॉल में ले लेंगे और इस स्पेचुला से नीचे वाले दूध को भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैदा मिक्स करेंगे। तो अब हम मैदा को मिक्स करेंगे। ये हमारा 150 ग्राम मैदा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक विक्स के मदद से ऐसे घोलेंगे। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से घोल तैयार करेंगे और हम बराबर मात्रा में सूजी लिए हैं। ये 150 ग्राम हमारा सूजी है, तो हम इसे भी मालपुए के लिए डाल देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये हमारा गुनगुना दूध है, ज्यादा गर्म नहीं है। आप देख सकते हैं ग्लास को मैं हाथ से पकड़ी हूं और इसमें हम दूध को डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपनी बेटर जो है कितनी अच्छी तैयार हो रही है। अभी गाढ़ा है तो हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने रवा, मैदा, हमने जो गाढ़ा किया था दूध के साथ और अलग से दूध के साथ मिक्स कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी हमें फाइनल बेटर तैयार नहीं करना है, एक ढक्कन से कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अपनी रवा जो है अच्छे से फूल जाएगी, फिर हम बेटर चेक करेंगे। जब तक बेटर सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो गैस पे हम एक पैन रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी शक्कर, 2 कटोरी शक्कर है तो हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। आप ध्यान से देखिए हम उसी कटोरी से पानी डाल रहे हैं। तो आप जितना शक्कर लें उसी मेजर से आधा पानी ले लीजिए। अब हम इसे चलाते हुए पहले तो पिघलने देंगे शक्कर को। तो यहाँ पे हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसे हम मध के जैसे चिपचिपा होने तक चाशनी तैयार करेंगे। तो पहले तेज फ्लेम पे शक्कर को पिघला लेते हैं।
तो अब ध्यान से देखिए, अपना शक्कर पिघल चुका है। हम 1 मिनट तक तेज फ्लेम पे ही इसे चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। शक्कर पिघलने के बाद हमने 2 मिनट तक चाशनी को पकाया है, तो अपना चाशनी चिपचिपा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो हमने इलायची को तोड़ के और उसको दरदरा कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाशनी में। तो हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर लिए हैं, अब हम बेटर की तरफ चलते हैं। ढक्कन हटा के हम बेटर चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी बेटर फूलने के बाद गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे और एक बार अच्छे से बेटर को मिक्स करेंगे। तो हमने मालपुए का बेटर अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पे हम 2 छोटे चम्मच इलायची का पाउडर डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच हम सौंफ डालेंगे। तो सौंफ को हम हथेली पे लेके और ऐसे क्रश कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे नहीं भी डालें, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हमें बेटर की ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। 1 चम्मच से हम आपको गिरा के दिखा रहे हैं, ऐसी ही पोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने घी को मेल्ट कर लिया है, अब हम घी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चम्मच से थोड़ा सा बेटर डालेंगे। अब ध्यान से देखिए, धीरे धीरे अपना मालपुआ का घोल जो है वो तैर के ऊपर आ रहा है। तो मालपुआ के लिए घी गर्म हो चुका है, हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम 1 स्पून लेंगे और उसमें भर के बेटर को लेंगे और हम धीरे से कढ़ाई में इसे गिराएंगे। तो इसे ना हमें फैलाना है ना कुछ करना है, ये अपने आप एक राउंड शेप में पुआ का रूप ले लेगा। तो इसे हमें एकदम धीमा फ्लेम पे 1 मिनट तक एक साइड से अच्छे से पकने देना है। आप चाहें तो ऐसे घी का ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ऊपर वाला घोल जो है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम धीरे से इसी चम्मच से इसको एक बार टर्न करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कितनी बढ़िया मालपुआ का शेप तैयार हुआ है। तो अगर अपनी पेन बड़ी है तो हम मालपुए को साइड में कर देंगे और शेप चम्मच से 1 चम्मच बेटर लेके दूसरा मालपुआ साइड में हम डाल सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 1-1 मालपुआ तैयार कीजिए, बड़ी है तो 2 से 3 आप डाल के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी मालपुआ बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये भी पुआ अपना कितना बढ़िया फूल चुका है। इसे भी हम ऐसे टर्न कर लेंगे और साइड में हम और भी पुआ डाल सकते हैं। तो हमें ऐसे बेटर लेना है और धीरे धीरे एक ही जगह गिराना है। ये अपने आप एक अच्छा सा शेप ले लेता है, क्योंकि हमारी बेटर जो है वो बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। इसे हमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ध्यान से देखिए, पहली वाली जो अपनी पुआ है ब्राउन कलर में आ गया है। तो इसे हम हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे, जिससे अंदर की जो बेटर है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो 1 से 2 बार हम ऐसे कर लेंगे। और ध्यान से देखिए, कितना बढ़िया पुआ फूल रहा है। और इसे हम टेढ़ा करके ऐसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे।
तो ऐसे ही हम सभी पुआ को निकाल लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और प्रेस करेंगे। मालपुआ अपनी एकदम फूल की सुंदर तैयार हो रही है। अपना दूसरा वाला पुआ भी फूल चुका है, इसे हम चम्मच के सहारे निकालते जाएंगे। वैसे टेढ़ा कर करके हमें निकाल लेना है। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो कितना टेस्टी है आपको क्या बताऊं। तो अब हम जो पुआ निकाल लिए हैं उसे हम चाशनी में डालते जाएंगे। तो अपनी चाशनी हल्की गर्म है, हमें गर्म गर्म चाशनी में ही पुआ को डालना है। तो ऐसे हम डाल देंगे और एक साइड से 1 से 2 मिनट रखने के बाद हम इसे एक चम्मच के सहारे उलट देंगे, इसमें अच्छे से डुबा देंगे और जब तक ये रस चूसेगा तब तक हम दूसरा पुआ उधर तैयार कर लेंगे। एक एक पुआ जो ब्राउन होते जा रहा है उसे हम आराम आराम से प्लेट में निकालते जाएंगे और उसके जगह पे दूसरा पुआ डालते जाएंगे। देखिए इसे प्रेस करने पे एकदम फूल जा रहा है। तो ये भी अपना बैच तैयार हो गया है, हम इसे टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। और इसके जगह पे हम दूसरा बैच डालेंगे। तो हम एक चम्मच घोल लेंगे और इसे डाल देंगे। अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं। तो हमने जो चाशनी में पुआ डाला था वो अच्छे से रस को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे एक पकड़ के सहारे एक्स्ट्रा रस गिरा के और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे हम एक्स्ट्रा रस गिरा देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके जगह पे हम दूसरा फ्राई किया हुआ पुआ डाल देंगे। तो ऐसे ही एक बैच फ्राई होगा तब तक एक बैच अपना रस को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। इसी तरीके से हम सभी पुआ तैयार करेंगे। दूसरा बैच भी रस में अपना अच्छे से डूब चुका है, अब हम इसे भी प्लेट में निकाल देंगे। तो एक पकड़ से हम ऐसे एक्स्ट्रा रस गिराते हुए और पुआ को प्लेट में निकालते जाएंगे। और इसमें आप दूसरा बैच डालते जाइए। तो ध्यान से देखिए अपनी पुआ जो है बनकर तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा बादाम बारीक काट के डाले हैं। होली ए स्पेशल मालपुआ बनकर तैयार है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होती है। चाशनी आप बिल्कुल चिपचिपी होने तक तैयार कीजिए। मालपुए का बेटर जो है वो एकदम पोडिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, तो मालपुआ जो है परफेक्ट तैयार होता है। जब हम रस में डुबाएंगे तो उसी एक बैच को 10 से 15 मिनट तक रस में छोड़िए, उसके बाद आप निकालिए। तो इस तरीके से मालपुआ जो है बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मालपुए की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।